नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ लैंड रोवर वॉक के बारे में, जो कि है एक V8 इंजन। और उस कार में बेसिकली जो प्रॉब्लम थी का और उस कार में प्रॉब्लम थी एक, यानी कि एक मैं कहूँ यानी कि 120 या 100 की स्पीड पर जैसी वो कार जाती थी तो एक हमिंग साउंड आती थी, हूँ बहुत तेज़ आवाज़ आती थी और कार पिकअप तोड़ देती थी और पीछे वाइट स्मोक भी हो जाता था। इस तरीके की ऐसा लगता था टर्बोचार्जर जाम हो गया, टर्बोचार्जर ने एकदम ऑयल खींच लिया, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम लगता था। तो इस प्रॉब्लम के लिए ये कार कंपनी में भी गई थी, कंपनी में भी उनको एक तरीके से टर्बोचार्जर की प्रॉब्लम बताई गई थी। पहले हम एक टर्बोचार्जर चेंज करेंगे, फिर हम दूसरा भी टर्बोचार्जर चेंज करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम निकलती है। और इस प्रॉब्लम को खत्म करने का जो खर्चा एक तरीके से अप्रोक्स कॉस्ट बताया था वो भी लगभग 6 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच का अप्रोक्स उसमें जो कॉस्ट था वो बताया गया था। उसके बाद कस्टमर का कहना था क्यों ना 6 से 8 लाख जब रिस्क लेना है तो एक बार क्यों ना कार को चेक कराया। तो फिर ये कार मेरे पास भी आई और मैंने भी चेक किया था। इस कार में जो मेनली प्रॉब्लम थी वो थी ईजर की। और मैंने इस कार का जो वीडियो था ईजर खोलने का कोई वीडियो नहीं लिया हुआ है, जो भी वीडियो मैं आपको शो कर रहा हूँ ईजर फिटिंग का कर रहा हूँ। और ऑलरेडी ये वीडियो 1 साल पुराना है, यानी कि लगभग 2019 का ये वीडियो है। अगर मैं आपको सही मानी बताऊँ 1 साल पूरा हो गया, क्योंकि मेरा जो आईपैड था काफ़ी टाइम पहले ही मिला था। मैं जब पिछली बार लाइव आया था तभी उस टाइम पे वो मेरे को आईपैड मिला था, उसमें काफ़ी वीडियो V6 और V8 इंजन के पड़े हुए। आगे मैं आपको और भी सारे वीडियो इस इंजन पे इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। ओके, तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट, जो कि लैंड रोवर वॉक का। और यो पहले ही प्रॉब्लम थी 100-120 से ऊपर ये कार भागती नहीं थी। अगर आप जबरदस्ती एक्सेलेटर दबाते भी थे तो बहुत भयंकर आवाज़ करती थी। अगर मैं आपको बताऊँ ऐसा लगता था टर्बोचार्जर इंजन के अंदर कुछ फटा या निकला, मतलब बहुत भयंकर हूँ कोई बैरिंग आवाज़ करता इस टाइप की आवाज़ आती थी। क्योंकि एक तरीके से होता क्या था, जो EGR था वो एक तरीके से स्टक रह जाता था, यानी कि ओपन पोजीशन पर रह जाता था, जिसकी वजह से जो स्मोक था और फ्यूल की डिलीवरी उसकी एक्स्ट्रा होने की वजह से इंजन में नॉकिंग और वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती थी और आवाज़ आती थी। क्योंकि ये V6 इंजन है, वो V8 इंजन है, V8 में आप समझ सकते हैं कंप्रेशर रेशियो भी ज़्यादा रहता है, कंप्रेशर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है और BHP पावर भी ज़्यादा है, इसलिए इसका जो EGR था वो चौक होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो इस कार का मैंने EGR खोला हुआ, उसको किस तरीके से हम फिटिंग करके कैसे क्लीन किया है सारे प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, जो कि लैंड रोवर वॉक के ऊपर। और लास्ट में मैंने कितना चार्जेस किया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कितना मैंने इस कार पर चार्ज किया था। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो कहाँ 6 लाख और मैक्सिमम 8 लाख का कंपनी ने अप्रोक्स कॉस्ट बताया हुआ था। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं कंपनी के टेक्निशियन बढ़ाऊँ या एक तरीके से कंपनी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाई, ऐसा नहीं। क्योंकि कंपनी में ये कार खुली नहीं थी, ओनली चेक होने के लिए गई थी। मैं किसी मैकेनिक या किसी टेक्नीशियन या किसी एक तरीके से अगर मैं कहूँ किसी वर्कशॉप की कोई मैं वो नहीं कहना चाहता कि मैं एक बहुत बड़ा टेक्नीशियन हूँ, मैं बहुत छोटे स्तर का टेक्नीशियन हूँ, अभी काम सीख ही रहा हूँ एक तरीके से। लेकिन ये है जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मैंने आई होप बड़ी ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दी है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। ओके, तो ये वीडियो एक तरीके से किसी मैकेनिक या किसी टेक्नीशियन भाई अपने दिल पर ना ले। ओके, तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितने रुपए में ये मैंने कार को बिल्कुल ओके किया। और एक बार छोटा सा डेमो देख लीजिए कार सही होने के बाद कितनी भाग के चेक की थी। कार है लैंड रोवर वॉक। और आज के इस वीडियो हम कर रहे हैं इस कार का EGR वाल्व क्लीन। बेसिकली अभी हमने इस कार का जो EGR वाल्व है उसको खोला हुआ है और इसकी ये लोकेशन है वो इस जगह पर है। एक बार मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखा देता हूँ ये कवर वगैरह हटा करके, क्योंकि हमने इस जगह पर बेसिकली डस्ट वगैरह ना जाए या कोई कचरा ना जाए इसके लिए अभी हमने इसको पैक करके रखा हुआ था। इसके कुछ जगह पर ये हल्के होल वगैरह हैं। और बेसिकली ये है V8 इंजन, यानी कि इस साइड इसमें एक टर्बोचार्जर है और दूसरा जो टर्बोचार्जर है वो उसके सेकंड हेड के पीछे की बैक साइड में है। और ये साइड आप देख सकते हैं इसके एग्जॉस्ट पाइप को। ओके, तो बेसिकली ये वी सीरीज इंजन है और ये कार है लैंड रोवर वॉक। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका EGR का बेसिक कुछ पार्ट्स, जैसे कि अभी हमने जो खोले हुए हैं तो इस साइड ये हैं, जैसे कि इसके एग्जॉस्ट गैस पाइप और थर्मोस्टेट एल्बो। तो ये इसका एग्जॉस्ट गैस पाइप है और ये इसकी थर्मोस्टेट एल्बो है जो कि हमें फिटिंग करनी होती है कूलेंट के लिए। और ये इसका जो है एक तरीके से एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर आप इसे बोल सकते हैं, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे फिटिंग होता है, यानी कि एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर उसको क्लीन बताता है। थर्मोस्टेट एल्बो, कुछ वाटर एल्बो वगैरह, ये इसके ऑयल फिल्टर कैप, ये इसके बूस्ट प्रेशर चार्ज एयर प्रेशर पाइप, ये इसके ऑयल प्रेशर पाइप, और ये सामने इसकी कॉमन रेल, और यह है इसका V8 सिलेंडर के लिए एक तरीके से इंटेक मैनिफोल्ड आप
क्लियरली से कह सकते हैं। ये साइड इसकी कुछ फिटिंग बेसिक, यानी कि इसके कुछ होस पाइप और बेसिक कुछ पार्ट्स, यानी कि इसके ईजर होजिंग वगैरह और ईजर बॉडी कवर, ईजर ब्रैकेट और ये इसकी कॉमन रेल, और इसमें डुअल कॉमन रेल होती है, यानी कि इसी टाइप की एक और कॉमन रेल है। तो इसमें सिंगल सेंसर है, उसमें दो सेंसर होते हैं, और ये है इसकी मेन होजिंग, यानी कि इसमें फिटिंग होता है इसका मेन EGR कूलर। और बेसिकली यही एक ही EGR जो है इसमें एक तरीके से, इसमें इस तरीके से सिस्टम दिया हुआ है कि दोनों हेड को कंट्रोल करता है, यानी कि दोनों की जो एग्जॉस्ट गैस उसको कंट्रोल करता है। इसका जो मेन फीचर्स है वो वीडियो के मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से दोनों हेड की गैस को कंट्रोल करता है। और इसी एक ही EGR में दोनों साइड में फिटिंग होती है दो पार्ट, यानी कि एक साइड फिटिंग होता है इसका EGR का सिस्टम और दूसरी साइड फिटिंग होता है इसका ये ऑयल का पार्ट, यानी कि इसको आप एक तरीके से बेसिकली बोल सकते हैं ऑयल कूलर का ये पार्ट है। ओके और ये है इसकी कुछ बेसिक फिटिंग के लिए पैकिंग वगैरह। ये इसको एग्जॉस्ट पाइप और ये इसका EGR का मेन फ्लो पाइप, इसका बूस्ट प्रेशर सेंसर और इसकी पैकिंग, और ये इसके हाई प्रेशर वाल्व हैं, यानी कि जब भी इसमें हाई प्रेशर होता है, जब भी कभी ऑयल का, तो उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए इसमें यहाँ पर जो वाल्व हैं वो दिए हुए हैं। तो ये एक बार मैं आपको दबा के चेक कराता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है इसका हाई प्रेशर वाल्व। जब भी ऑयल फिल्टर वगैरह चौक होगा या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो यानी कि ये आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। तो इस पर सब जगह पर इसका पार्ट नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो ये पूरा कम्प्लीटली जो आइटम है, यानी कि ये प्लेट वगैरह हैं इसके, और कुछ सोलेनोइड एक्चुएटर हैं, इस तरीके से इसके ऊपर हम ऑयल फिल्टर वगैरह फिटिंग करेंगे। ओके तो करते हैं सबसे पहले इसकी फिटिंग। तो इस जगह पर हमने इसकी जो पैकिंग है, यानी कि ये रबर रिंग है, इसको अच्छे से लगा लिया है। और इसके ऊपर अभी हमने जो हल्का हल्का थोड़ा बहुत सिलिकॉन ट्यूब है उसको भी फिटिंग कर दिया है। और ये है इसका दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पाइप लगाना है इसको, क्योंकि अगर आप इस पाइप को नहीं लगाते हैं और उस प्लेट को पहले लगा देते हैं, तो बाद में ये पाइप नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर आप लैंड रोवर का EGR खोलते हैं, तो इस पाइप का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको इस पाइप को लगाना है, और ये पाइप आपको 3 बोल्टों से फिक्स करना होता है, जो कि T30 हेक्स वोल्ट इसमें आपको फिटिंग करने होते हैं। ओके तो ये तीनों बोल्ट हमें इस जगह पर अच्छे से फिटिंग करने हैं, और ध्यान में रखना है कभी भी आपको को फिटिंग करना है तो सिलिकॉन का यूज आपको इसमें कर लेना है। बेसिकली इंजन की जब आप इसे फिटिंग कर देते हैं, तो इंजन पर इस कार में स्पेस की काफ़ी कमी रहती है, और बोल्टों को अच्छे तरीके से फिटिंग करना होता है। जो बोल्ट इस जगह का है उसको आपको उसी जगह पर फिटिंग करना होता है। अगर आप बोल्ट को भी एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं लगाते हैं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे कभी लीकेज वगैरह के लिए। तो ये पीछे बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ रेंज रोवर, ओके वोक इस कार का नाम है, TD V8, ये इसकी वेजिंग दी हुई है पीछे। तो इस कार में हम बेसिकली इसका जो आगे का एक तरीके से फ्यूल गेज है उसको भी रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन है इसकी इस सीट के नीचे की साइड, और इसमें डुअल गेज दिए हुए हैं। ये इसका आगे का पोर्शन जिस जगह पर इसका V8 इंजन है, और नीचे की साइड से यहाँ से हम इसमें ड्रेन करेंगे कुछ इसके ऑयल वगैरह को। ओके तो कम्प्लीटली अभी हमने इसकी जो फिटिंग थी उसको खोला हुआ है। तो फिटिंग खोलने की मैंने ऑलरेडी कोई वीडियो इसमें नहीं ली हुई है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता साइज़ में, इसलिए। अब करते हैं इसके बाकी के इन सभी पार्टों को फिटिंग, यानी कि इसके इंटेक मैनी बोल्ट वगैरह, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पहले से ही क्लीन एकदम अच्छे तरीके से इनको साफ करके लिया हुआ है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डस्ट वगैरह नहीं है किसी भी पार्ट में, आप देख सकते हैं। अब फिटिंग करते हैं इसका सबसे पहले EGR कूलर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी साइज़ में बड़ा है, तो बेसिकली ये इतना बड़ा, और ये इसकी बैजिंग दी हुई है कंपनी की। तो ये साइज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पार्ट नंबर वगैरह इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और पीछे बैक साइड में यहाँ पर आपको एक रबड़ चेक करनी होती है, रबड़ बेसिकली इस जगह लगा के दी हुई है, क्योंकि ये जब भी आप फिटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से मेटल टू मेटल ना टकराए, ओके, और एक तरीके से प्रॉपरली फिक्स हो जाए, या एक तरीके से टकराने की वजह से कहीं लीकेज की प्रॉब्लम भी ना बने। तो इस पार्ट के अंदर एग्जॉस्ट गैस चलती है अंदर की साइड, और ये पार्ट रहता है इस बॉडी के अंदर, जिससे कि जो एग्जॉस्ट गैस है वो ठंडी रहती है। ये इस तरीके से इसके अंदर रहता है, और इसके अंदर चलती है एग्जॉस्ट गैस, जो आप जाली देख रहे हैं छोटी छोटी, इन जालियों के अंदर धुआं चलता है, यानी कि कार में से जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है वो धुआं इसके अंदर जाता है, और इस बॉडी ये EGR कूलर जिस पार्ट के अंदर फिटिंग किया है उस पार्ट के अंदर चलता है इंजन का कूलेंट, यानी कि उस गैस को ठंडा करने का काम करता है। और ये आप इस साइड देख सकते हैं कूलेंट के होज के पाइप के होल, और दूसरी साइड भी होल दिए हुए हैं। और इसके ऊपर अभी हम इसको अच्छे से एक बार क्लीन करके, यानी कि इसके ऊपर भी हम सिलिकॉन वगैरह लगा करके इसका जो दूसरा पार्ट है प्लेट का, उस पार्ट को फिटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये देखिए इसकी जो पैकिंग वगैरह हैं, इनको अच्छे से क्लीन करके और इसके ऊपर सिलिकॉन यूज करके इसको फिटिंग करेंगे। तो कभी भी मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करना चाहूँगा, कभी भी आप इन कार की फिटिंग करते हैं, तो अच्छे से आप एक बार उसको सिलिकॉन वगैरह लगा कर क्लीन करके प्रॉपर तरीके से फिटिंग करें, जिससे कि कोई लीकेज का इश्यू ना रहे। अगर जरा सा भी बाल बराबर भी लीकेज रह गया, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इन कार में जगह की बहुत ही कमी रहती है, और इन कार में बेसिकली जगह की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मेनली आपको अच्छे से क्लीन करके ही, और जो ट्यूब वगैरह है उसको सही से प्रॉपर यूज कर लेना है। तो ये इस तरीके से अभी हमने इसकी पैकिंग है इसको फिक्स कर दिया है। ओके
तो ये इस तरीके से आपको इसकी पैकिंग है इसको लगा देना अच्छे से, और पैकिंग के ऊपर भी जो आपको सिलिकॉन वगैरह लगाना होता है वो लगा करके इजीली जो भी आप जिस कंपनी का आप यूज कर सकते हैं आप कोई भी इस पर यूज कर सकते हैं। और ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसको आराम से इजीली इस तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी वेट होता है इस पार्ट में, तो बड़े ही हिसाब से आपको पकड़ के इसको इसके अंदर फिटिंग करना होता है। ओके, तो ये आप किसी दूसरे एक और बंदे से पकड़वा करके, आप किसी की हेल्प लेकर के इसको इस तरीके से पकड़ करके यहाँ पर आपको ये एकदम बिल्कुल फिक्स टू फिक्स मैच करना होगा प्रॉपर। ओके, और याद रहे आप ज़्यादा सिलिकॉन भी इस जगह यूज ना करें, अगर आप ज़्यादा भी यूज करते हैं तो कोई हो ऑयल का होल या कूलेंट का होल या हो सकता है एग्जॉस्ट गैस का होल चोक हो सके, तो इजीली जितना हो सके नॉर्मल कम से कम आप उस जगह सिलिकॉन यूज करें, और लेकिन यूज जरूर करें जिससे कि लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो करते हैं इसको फटाफट से फिटिंग। तो इसके जो भी बोल्ट हैं वो लोकेशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से साइडों में आपको इसके सभी बोल्टों को लगाना होता है। ओके, तो फटाफट से इसके सभी बोल्टों को हम टाइट कर देते हैं एक बार जल्द से। ये देखिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे बोल्ट लगाने होते हैं, और इसके ऊपर बैक साइड में आपको दो बोल्ट लगाने होते हैं जो कि आगे की साइड लगाने होते हैं। इसका जो बाईपास कंट्रोलर है वो कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये जो ईजी आ रहा है ये देखिए, ये इस जगह बोल्ट के पास में है इसका बाईपास कंट्रोलर, यानी कि इसका ये बाईपास ऑफ फ्लैप भी इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये इस जगह पर आपको यहाँ पर अभी दो बोल्ट भी फिटिंग करने होते हैं, और ये साइड इसका बाईपास फ्लैप है, ये इसको आप एक तरीके से चला के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्चुएटर है वो फिटिंग करना, तो बेसिकली वो वैक्यूम के पार्ट से ही काम करता है। तो जब भी गैस अगर ओवर फ्लो हो जाती है या मान लीजिए अगर ओवर हीट होती है तो उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है बाईपास कंट्रोलर। ये आप कार को बंद करते हैं, और दो बोल्ट आपको इसमें सबसे बड़े लगाने होते हैं जो कि आपको आगे की साइड इस तरीके से फिटिंग करनी होते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से अभी हम इनके सभी बोल्टों को फिटिंग कर देते हैं इजीली, और बाकी के छोटे जो बोल्ट्स हैं वो अभी हमने साइड में साइड लगा दिए हैं। तो इन दोनों बोल्टों को भी टाइट करके अब इसके ऊपर लगाते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को भी फिटिंग करने से पहले आपको अच्छे से जो भी इसका फेस है अच्छे से प्रॉपर क्लीन करना है, बिल्कुल भी अगर कहीं भी थोड़ी सी डस्ट रहती है तो वो लीकेज की प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, और ये है इसका थर्ड पार्ट, बेसिकली इसमें चलता है कूलेंट। तो ये इस तरीके से हमने इसकी पैकिंग वगैरह है प्रॉपर ली हुई है, और ये इस जगह पर इसकी पैकिंग है, ये देखिए इस लाइन में ये कूलेंट का होल, ये पूरी पैकिंग फिटिंग है। ओके, अब इस पार्ट को इस पैकिंग के ऊपर अच्छे से फिक्स मैच करना है एक बार में, यानी कि कहीं भी थोड़ा बहुत हिलना नहीं चाहिए, आराम से इजीली इसको प्रॉपर फिटिंग कर देना है। और सिलिकॉन वगैरह अभी हमने इस पर अच्छे से यूज कर लिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको लगाना होता है। तो इस पर ही फिटिंग होता है मेन इसका एजीआर का एक्चुएटर, जो EGR का मेन एक्चुएटर है वो फिटिंग होता है इस पार्ट के ऊपर ही, और इसी में ही कूलेंट की जो पाइप वगैरह हैं वो सभी कुछ इसमें फिटिंग होती है। तो यहीं से जो पार्ट है, ये जो मेन पार्ट है जिसको भी हम फिटिंग कर रहे हैं, यही कंट्रोल करता है EGR को दोनों सिलेंडर हेड के लिए, यानी कि जो दोनों सिलेंडर हेड पे दो टर्बो चार्जर लगे हैं उनसे दोनों से जो एग्जॉस्ट गैस आती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है दोनों सिलेंडर हेड की गैस एक ही EGR के अंदर। तो वो यही मोटर है जो कि काम करती है यहीं से, और बेसिकली ये जिस जगह पर मैं बोल रहा हूँ एक फ्लैप इस जगह पर है और दूसरा फ्लैप इसके दूसरी साइड में है, जो कि दोनों EGR को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि मोटर एक है लेकिन इस मोटर की जो फ्लैप कंट्रोल करने की पोजीशन है वो दो दी हुई है, यानी कि वो डुअल EGR का एक तरीके से एक ही EGR डुअल EGR का काम कर रहा है। यानी कि इंजन में हेड डबल है और एक तरीके से V8 इंजन है लेकिन EGR सिंगल है, लेकिन सिंगल EGR होते हुए भी वो डबल EGR का काम कर रहा है प्रॉपर, और कार के अंदर कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेनली जो कार के अंदर प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बता दी थी, इस कार में मेन प्रॉब्लम थी यानी कि एक तरीके से एक तो लो पिकअप की, ये कार 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती थी, 100 अगर बड़ी ही ज़्यादा आप एक्सीलरेशन करते थे तो 120 इससे ऊपर नहीं जाती थी, और जाती थी भी तो इतनी भयंकर आवाज़ करती थी यानी कि एक तरीके से कुछ ऐसी हमिंग साउंड आती थी जैसे कि इसका टर्बो चार्जर कहीं सीज हो गया है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं जिस तरीके से कोई बैरिंग आवाज़ करती इस टाइप की आवाज़ आती थी, जैसे कोई इंजन में कुछ बैरिंग कोई आवाज़ कर रहा है। तो वो आवाज़ जब ही आती थी जब आप कार को 100 की स्पीड के पास तक लेके जाते थे, और 100 से ऊपर आप 120 से आप ऊपर लेके नहीं भगा सकते थे इस कार को, क्योंकि पिकअप की फिर इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी ऑटोमेटिकली। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर जो इसका मेन पार्ट है ये सभी कुछ इसको फिटिंग कर रहे हैं, यानी कि जिसमें जो भी है ये इस तरीके से, ये इसके जो भी बोल्ट वगैरह हैं इनको सभी को फिटिंग कर देते हैं फटाफट से। तो ये आपको रेस्टेड से प्रॉपर टाइट करनी है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा टॉर्क यूज़ नहीं करना होता, अगर आप ज़्यादा बोल्ट को पावर से टाइट करेंगे तो हो सकता है जो बोल्ट है वो बेकार हो जाए या स्लिप भी हो सकता है, उसकी थ्रेड है वो भी बेकार हो सकती है। तो इजीली आपको यहाँ पर जो बोल्ट हैं सभी को हिसाब से ही टाइट करना होता है, कोई भी बोल्ट आपको जल्दबाजी में टाइट नहीं करना है, बड़े हिसाब से बड़े ही पेशेंस रख के आपको सभी की फिटिंग करना होता है। तो बेसिकली मैं V8 के या V6 के इंजन की वीडियो इसलिए नहीं डालता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कुछ ये बड़ी कार के वीडियो होते हैं, और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादातर ये बड़ी कारें सभी जगह नहीं खुलती, तो इनमें लोग इंटरेस्टेड कम रहते हैं। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो मैं आगे चल के ऐसी वीडियो ज़रूर पोस्ट करता रहूँगा,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको बाकी के सभी बोल्टों को टाइट कर देना है, और ये हमने अभी इसके जो बोल्ट थे इनको प्रॉपर टाइट कर दिया है। और ये आपको ध्यान में रखना है, बोल्टों को आमने सामने के हिसाब से ही टाइट करना है प्रॉपर, यानी कि कोई भी बोल्ट ऐसा नहीं कि पहले एक बोल्ट टाइट कर दिया दूसरा फिर टाइट कर दिया, बड़े ही हिसाब से आपको सभी बोल्टों को टाइट करना होता है एकदम प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से अभी हमने इसके सभी बोल्टों को टाइट कर दिया। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, तो सभी बोल्ट बिल्कुल ओके हैं, कहीं कोई लीकेज या कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, यानी कि अगर कहीं से भी आपको ओवर दिखता है कोई बॉन्ड वगैरह तो उसको प्रॉपर फिक्स कर दिया करें आप, या कपड़े से क्लीन भी कर सकते हैं उसको, जिससे कि आपको कहीं ओवर ना दिखे। ओके, तो अब घुमा करके हम इसमें चेक करेंगे और बाकी के इसकी फिटिंग करेंगे, इसके EGR के एक्चुएटर। तो देखिए एक इस जगह पर फिटिंग है, ये इसके बोल्ट्स वगैरह जो भी हैं मैं आपको बोल्ट क्लियरली दिखा रहा हूँ, इस जगह पर फिटिंग है। तो ये टोटल इस तरीके से इसके जो बोल्ट है, ये हर पार्ट के बोल्ट अलग अलग दिए हुए हैं, और ये एक ही EGR काफ़ी पार्ट में अलग अलग हो जाता है एक तरीके से। ओके, अब इस जगह पर मेन बात आती है इसकी EGR की एक्चुएटर फिटिंग करने की, यानी कि यह है इसकी EGR की मोटर। अब हम इसको कैसे फिटिंग करेंगे, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न रहता है, यानी कि यही एक मोटर है जो कि दोनों EGR को कंट्रोल करने का काम करती है, यानी कि EGR एक है और मोटर एक है, और इसमें जो फ्लैप दिए हुए हैं वो डबल दिए हैं, और वो किस तरीके से कंट्रोल करेगी ये मोटर, ये अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको फिटिंग करनी होती है। अगर आप उसको रॉन्ग फिटिंग करेंगे तो उसकी क्या पहचान है, या क्योंकि ये मोटर गलत तरीके से भी फिटिंग हो सकती है और सही से भी फिटिंग हो सकती है, तो आपको ये डिटेल में देखना है ये हम इसको किस तरीके से फिटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी ये यहाँ पर एक फ्लैप इस जगह पर दिया हुआ है और दूसरा फ्लैप जो है दूसरी साइड में दिया हुआ है। ओके, तो इस मोटर को फिटिंग करने का इजी क्या तरीका है, ये बैरिंग वगैरह आपको चेक करना है अच्छे से, बैरिंग वगैरह बिल्कुल जाम नहीं होना चाहिए, इजर क्लीन के टाइम पे आपको अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, ऑयलिंग वगैरह करनी होती है। तो ये इस रॉड में हमें फिटिंग करनी है इस मोटर को। ओके, तो ये आप इसकी लोकेशन ही देख सकते हैं, अभी बिल्कुल फीस बिल्कुल देखा जाए तो क्लोज पोजिशन पर है इस समय ये। एक बार मैं आपको इसका जो देखिए मार्किंग है उसको लेके चेक करा देता हूँ ये बोल्ट की हेल्प से। ये इस समय जो इसकी EGR की रॉड है एक तरीके से बिल्कुल क्लोज पोजीशन पे है, यानी कि इसमें जो स्प्रिंग है उसने उसको इस तरीके से बैक साइड पर प्रेस करके रखा हुआ है कि जो EGR है एकदम ब्लॉक है अभी, इस समय बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं है। ओके, अब ये फिटिंग करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, इसके नीचे बैक साइड पर प्लास्टिक का कवर होता है, उस कवर को आप निकाल करके ईजिली, यानी कि इस कवर को, ये प्लास्टिक का बैक साइड एक कवर होता है, इस कवर को निकाल करके ईजिली इस तरीके से आप फिर इसको फिटिंग कर सकते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है ये इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। ओके, यानी कि जो वायरिंग का सॉकेट है या तो आप उस पर मार्क कर सकते हैं, या आप इसको खोलते टाइम कोई मार्क कर सकते हैं, और ये इस तरीके से फंस जाता है, जब EGR एक्सीलेशन लेता है इंजन तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आगे पीछे इस तरीके से ये एक्सीलरेट करता है। ओके, तो ये EGR है इस तरीके से बेसिकली काम करता है, और इसके जो बोल्ट हैं भी हम इन सभी बोल्टों को लगा देते हैं। ओके, तो ये देखिए अभी हमने इस जगह पर इसको फिटिंग कर दिया है, तो अब लगाते हैं इसके सभी बोल्टों को। तो टोटल आपको यहाँ पर चार बोल्ट लगाने होते हैं, और ध्यान में रखना आपको जो वायरिंग का ये सॉकेट है ये आप देख लीजिए, इसकी लोकेशन हमने इस जगह रखी हुई है, और लगाने को आप इसको पलट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है, यानी कि जो प्रॉपर फिटिंग होकर आना चाहिए, अगर आप उसको पलट करके लगा देंगे तो होगा क्या कि जो EGR का डायरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं खुलेगा, और उसकी वजह से कार के अंदर EGR का जो फॉल्ट है वो जनरेट हो सकता है। ओके, तो ये इस तरीके से अभी हमने इसके जो EGR के बोल्ट हैं, यानी कि टोटल इसमें ये चार ही बोल्ट होते हैं, और ये चार ही बोल्ट के बाद अब मैं आपको टाइट करके फिर दिखाता हूँ ये EGR बेसिकली काम किस तरीके से करता है डुअल चैनल में, यानी कि डुअल हेड के लिए कैसे काम करता है। तो इन बोल्टों को टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद इसके जो फ्लैप हैं वो मैं आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से डुअल हेड पर ये काम करता है, यानी कि सिंगल मोटर का EGR होते हुए भी ये डुअल हेड को कंट्रोल कर रहा है। ये होती है कंपनी की टेक्नोलॉजी, यानी कि कम पैसे में और ज़्यादा पार्ट ना लगा करके सिंगल मोटर से ही डबल काम लेना एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ओके, तो ये सभी बोल्टों को हमने अभी टाइट किया, प्रॉपर आपको अच्छे से टाइट कर लेने हैं, एक लिमिट से ऊपर भी टाइट नहीं और एक लिमिट से कम भी टाइट नहीं। ओके, और ये साइड इसका EGR का एक्चुएटर, तो इसका जो ये कवर है ये सब कुछ हम जिस जगह पर फिटिंग करेंगे, तो ये इस तरीके से काम करता है, और इसकी लिमिट है मेन एक्सीडेंट मतलब मैक्सिमम जो लिमिट है वो यहीं तक है। और ये देखिए ये किस तरीके से काम करता है, तो एक फ्लैप आप देख सकते हैं इसके अंदर की साइड है इंटरनल इस जगह पर, ये आपको दिख रहा होगा विजिबल हो रहा होगा, ये इस जगह पर एक फ्लैप दिया हुआ है, ये देखिए खुल जाता है, क्लोज हो गया, खुल गया, बंद हो गया। ओके,
और इसका जो दूसरा फ्लैप है, एक फ्लैप इस जगह पर है और एक फ्लैप इसका इस जगह पर है, यानी कि एक फ्लैप है वो इस जगह पर से यहाँ से गैस ट्रांसफर करता है, और जो दूसरा फ्लैप है एक तो इस जगह से यहाँ से गैस ट्रांसफर करता है, दूसरा जो फ्लैप है वो इस जगह पर जो कि इस जगह से गैस ट्रांसफर करता है। तो यानी कि एक ही फ्लैप दो जगह से ट्रांसफर कर रहा है इसमें गैस को। और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सिंगल मोटर है और ये दो ही बाईपास को यानी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अगर बैंक वन हेड ने अगर गैस दी तो भी वो इसके अंदर आएगी, बैंक टू ने हेड गैस गैस दी एग्जॉस्ट गैस तो भी वो इसके अंदर से आकर के सीधे ट्रांसफर होगी इंजन के लिए, यानी कि एक ही मोटर दो दो सिलेंडर हेड को कंट्रोल कर रही है। ओके, अब हम इसके ऊपर बाकी का जो पार्ट है यानी कि इसकी जो प्लेट वगैरह हैं, ऑयल कूलर वगैरह हैं, इनको भी फिटिंग करेंगे। तो करते हैं इसका फटाफट से इस यानी कि जो एयर का मेन कवर है इसको फटाफट से फिटिंग कर देते हैं क्लीन करके। तो ये इस जगह पर आपको फिटिंग करना है, इसके कूलर के कुछ होजेस वगैरह हैं इनको फिटिंग करना है, इसकी जो क्लिप वगैरह हैं इनको लगा देना है अच्छे से, प्रॉपर क्लिप लगानी होती है एक एक चीज़, मतलब कहीं भी अगर आपकी छोटी सी भी अगर एक कूलर की बूंद लीकेज रह गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेन आपको मैं बार बार यही कहूँगा, इन गाड़ियों में काम करते हुए कोई भी लीकेज या बोल्ट का ज़रा सा भी उसमें आप एक तरीके से कंप्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी से हो सके जितना बेटर से इसमें फिटिंग करें। तो अब फिटिंग करते हैं इसका बाकी का पार्ट। तो मेनली ये है इसकी ऊपर की प्लेट, तो अब इस प्लेट को हम फिटिंग करेंगे, यानी कि इसके ऊपर फिटिंग करेंगे इसका ऑयल कूलर, इस जगह फिटिंग करेंगे इसका ऑयल फिल्टर। ओके, तो ये इसकी एक तरीके से ऑयल फिल्टर हाउसिंग आप इसको बोल सकते हैं, ऑयल फिल्टर असेंबली आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। और ये है इसकी पैकिंग, तो ये इसकी पैकिंग है यानी कि इसके सभी होल वगैरह एकदम क्लीन है। और इसके ऊपर ये हमने बाकी के जो पार्ट थे, ये क्लिप वगैरह थी, ये साइड इसके एक्चुएटर मोटर होस पाइप ये कूलेंट पाइप वगैरह सब कुछ लगा दिए। और इस पैकिंग को इस तरीके से हमने सिलिकॉन यूज करके, और इसके ऊपर अब लगाते हैं इसका ऑयल कूलर असेंबली, यानी कि ऑयल कूलर आप फिल्टर बॉडी आप उसको बोल सकते हैं बेसिकली। ओके, मेनली तो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये पूरा पार्ट एक तरीके से कंप्लीट आता है, यानी कि हर पार्ट का अगर देखा जाए तो उसका कोई ये पार्ट अलग अलग है नहीं है, इसमें लेना चाहें तो आप कंपनी से ही आपको अलग अलग पार्ट भी मिल सकता है। ओके, लेकिन इसका जो पैकिंग किट है वो अलग से नहीं आता, ये पूरा एक तरीके से इंजन का जो पूरा गैस किट का सेट आता है वही आपको परचेज करना होता है, स्पेशली ईजीआर का किट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ओके सर, तो अभी हम यहाँ पर ये बाकी के जो भी इसके पार्ट हैं जैसे कि इसकी पैकिंग वगैरह आया है, इसको हमने सिलिकॉन वगैरह ला करके यूज करके लिया हुआ है। ओके, जिससे कि लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें बेसिकली ऑयल और कूलेंट दोनों ही चीज़ चलती हैं, उससे पहले आपको ये लगाना है इसका ऑयल स्टोरेज है, यानी कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो इसमें ऑयल जो है वो स्टोर रहता है, क्योंकि ये जो V6 इंजन होते हैं या V8 इंजन होते हैं बेसिकली इनमें क्या होता है, जो टर्बो चार्जर होते हैं जब इंजन स्टार्ट होता है तो वो एक तरीके से काफ़ी लेट टाइम तक इंजन मतलब टर्बो चार्जर को जो ऑयल पहुँचाता है वो काफ़ी लेट हो जाता है, तो उसके लिए जो टर्बो चार्जर का जो ऑयल होता है वो यहाँ पर स्टोर होकर रहता है, यानी कि इसके ऑयल फिल्टर असेंबली में, और जो ऑयल की लाइट वगैरह है वो भी ना जले। ओके, और जो टैपेटॉकर वगैरह हैं वो भी आवाज़ ना करें, आपने देखा वो नॉर्मली महिंद्रा की कार में आवाज़ आती है गाड़ी को स्टार्ट करती है टैपेटॉकर ही काफ़ी टाइम तक, तो उनमें ऑयल स्टोरेज नहीं होता है, इनमें बेसिकली ऑयल स्टोरेज रहता है, इसीलिए जिससे कि जो ऑयल फिल्टर है वो कभी खाली ना रहे और ऑयल पम्प को ऑयल उठाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये बेसिकली एक तरीके से ऑयल पम्प के लिए बहुत ही बेटर चीज़ है, कभी भी ऑयल पम्प इस कार की ख़राब नहीं हो सकती, या इंजन में कभी भी ऑयल की वजह से क्रैंक सीज या टर्बो चार्जर ख़राब नहीं हो सकता, या अगर मैं कहूँ तो ऑयल की वजह से कभी भी इसके टाइमिंग चेन है टैपेटॉकर वगैरह हैं ये पार्ट ख़राब नहीं हो सकते। तो अब बाकी की करते हैं इसकी फिटिंग, जैसे कि इसके हॉस पाइप वगैरह ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है, कहीं से कोई फटा वगैरह या कोई चटका क्रैक वगैरह तो नहीं है अच्छे से। अब इसके ऊपर फिटिंग करते हैं बाकी गैस के पार्ट को, यानी कि ये पार्ट हमें फिटिंग करना है सिलेंडर ब्लॉक वाली साइड में, और इसके ऊपर फिटिंग करेंगे फिर हम इसका ऑयल फिल्टर असेंबली वगैरह। तो अभी ये इस तरीके से बिल्कुल रेडी है कार के अंदर फिटिंग करने के लिए, तो कार के अंदर हम फिटिंग करेंगे इस जगह पर, और उससे पहले हम इस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। बाकी का ये साइड इसकी कॉमन रेल है, दूसरी साइड इस साइड यहाँ पर कॉमन रेल फिटिंग होती है, तो वी बैंक वन बैंक टू का जो सिलेंडर हेड है वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में है, और इस एरिया को अच्छे से क्लीन करके इसके ऊपर भी हम यहाँ पर सिलिकॉन ट्यूब वगैरह है जो है वो यूज कर लेते हैं, जिससे कि कोई लीकेज का प्रॉब्लम ना रहे। तो ये इस तरीके से हमने इस पर अभी जो सिलिकॉन है वो यूज कर लिया है, अब कहीं कोई लीकेज का इशू नहीं दिख रहा है। ओके, और इसके ऊपर हम फिटिंग करते हैं अब इसका मेन पार्ट, यानी कि जो EGR हमने खोला हुआ था, जो EGR कूलर हमने खोला हुआ था जो प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम को फिक्स करके अब यहाँ पर हम फिटिंग कर रहे हैं। ओके, तो मेनली जो लास्ट में जो भी है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, कितना क्या खर्चा इसका बताया गया था और कितना क्या खर्चा हमने इस कार में लिया हुआ है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे टोटल। ओके, तो भाई ये सब कुछ अब नॉर्मल है क्योंकि इन गाड़ी में ऊपर चढ़ के ही काम करना पड़ता है। ओके, तो ये है इसका मेन पार्ट,
इस तरीके से। और जो भी है इन गाड़ियों का काम जो होता है वो एक तरीके से टीम वर्क के हिसाब से ही होता है, यानी कि अकेला बंदा इस कार में काम नहीं कर सकता। नॉर्मली अगर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो वीडियो के लिए अब कैमरा पकड़ना है या ईजर को फिटिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें हिसाब से ही करनी होती हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो के चक्कर में रहेंगे तो कोई ना कोई रबड़ का पाइप या प्लास्टिक का पाइप इस कार का क्रैक हो सकता है, तो इजीली यहाँ वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं हमें। तो इसलिए प्लीज़ इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है वीडियो बनाने के लिए भी। ओके, तो इस तरीके से ही आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से, यानी कि एक एक पाइप को, एक एक पाइप की लेंथ इतनी होती है कि आप उसको ज़रा सा भी ऊपर नहीं खींच सकते हैं। अगर ज़रा सा भी आप उस पाइप को ऊपर खींच देंगे तो पाइप वहीं से क्रैक हो जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे क्लिप होती हैं आप उसको वहाँ से ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते हैं, तो वो वहाँ से क्रैक हो सकता है। और इनकी जो एल्बो वगैरह हैं वो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो बड़े ही हिसाब से आपको इन कार का काम करना होता है। ओके, तो ये इस तरीके से अभी हमने इसका जो EGR है ये यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं, बड़े ही आसान तरीके से, एकदम आराम से, कहीं कोई क्रैक वगैरह ना हो या कोई वायरिंग का तार वगैरह ना दब जाए, बड़े ही केयरफुल तरीके से, क्योंकि बड़ी ही दिक्कत होती है इसमें फिटिंग करने में। ओके, क्योंकि जगह की काफ़ी कमी होती है, बेसिकली आपको जगह करनी पड़ती है, आप ज़्यादा इसमें जगह नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वैसे भी 2 वोल्ट खोलने के लिए देखा जाए तो इन गाड़ियों में 20 वोल्ट तो वैसे भी एक्स्ट्रा खोलने पड़ते हैं अगर आपको 2 वोल्ट का काम है तो। ओके, तो ये इजीली अब इस जगह पर फिटिंग हो गया, और बताते हैं हम आपको किस तरीके से आपको ये इसके जो बोल्ट्स वगैरह हैं वो फिटिंग करने होते हैं। तो 1 वोल्ट आपको इस जगह, 2 वोल्ट आपको इस जगह, 3 वोल्ट इस जगह, 2 वोल्ट आपको यहाँ नीचे की साइड और पीछे बैक साइड में बोल्ट, इस जगह पर बोल्ट, इस जगह पर बोल्ट और इस जगह पर बोल्ट, ये आप देख सकते हैं पीछे बैक साइड में, यानी काफ़ी हिडन एरिया में इसमें जो बोल्ट हैं वो दिए होते हैं। ओके, तो ये आपको बड़ी बारीकी से जिस तरीके से आप बोल्ट को खोलते हैं, एक एक बोल्ट आपको चेक करके यहाँ पर फिक्स करने होते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि अगर एक बोल्ट भी रह जाएगा तो इनमें इतनी हाई प्रेशर होता है ऑयल का और कूलेंट का, आप समझ सकते हैं V8 इंजन है तो उसका रेडिएटर कितना बड़ा होगा और इसमें कूलेंट की कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी इंजन की ऑयल की कैपेसिटी कितनी रहती है। तो वही सारी चीज़ें जो लोग इन गाड़ियों का काम करते हैं वो शायद समझ सकते हैं कि हाँ इसमें कितनी प्रॉब्लम रहती हैं। तो एक एक बोल्ट को बड़े हिसाब से आपको चेक करना होता है। तो कम्प्लीटली अभी जो इसका EGR है फिटिंग कर दिया एकदम, जो भी एक्यूरेट इसके बोल्ट थे सभी बोल्टों को लगा करके आप देख सकते हैं, अब कहीं भी कोई बोल्ट इसका बाकी नहीं है, तो सभी बोल्टों की जो डिटेल है वो पूरी कर दी है। ओके, तो उसके बाद अभी हम करेंगे इसके ऊपर का जो भी पार्ट है, यानी कि इसका मेन, ये देखिए इसके एग्जॉस्ट पाइप वगैरह जो इसके सिलेंडर हेड से हम फिटिंग करने होते हैं, यानी कि हमने टर्बो चार्जर से इसका जो पाइप है वो खोला हुआ है VGT एडजस्टमेंट करने के लिए, वही हमने दूसरी साइड से भी टर्बो चार्जर है उसका भी हमने पाइप खोला हुआ है, बेसिकली उसमें जो VGT होती है बूस्ट प्रेशर बढ़ाने के लिए उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हमने खोला हुआ था। तो उसमें बेसिकली एक क्लिप टाइप का पाइप होता है, वो क्लिप खोल करके हमने पाइप खोले हुए दोनों साइड से। ओके, तो फिटिंग करते हैं इसके बाकी के कॉमन रेल वगैरह और इसके ऑयल कूलर वगैरह। तो ये इस तरीके से इसकी थर्मोस्टेट एल्बो, और इसी एल्बो में फिटिंग है इसके, एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ तो थर्मोस्टेट वाल्व, यानी कि जो हीटिंग के बाद खुलता है यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे इसका वाल्व वगैरह, यानी कि इसमें 2 थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं। किसी किसी कार में नॉर्मली आपने देखा है एक ही वाल्व होता है, लेकिन इन कारों में डबल थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं। ओके, सिंगल वाल्व नहीं होता इन कार में, डबल वाल्व होता है, जो कि एक तरीके से राइट वाले हेड का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, दूसरा वाल्व दूसरे हेड के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि अगर एक ही वाल्व देंगे तो दोनों हेड के टेम्परेचर का वाल्व जो है वो एक तरीके से मेंशन नहीं हो पाएगा या प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो वो दोनों हेड का जो टेम्परेचर है उनको कंट्रोल करने का काम करता है दोनों अलग अलग थर्मोस्टेट वाल्व। तो ये इसका मेन पार्ट, यानी कि इसकी ऑयल फिल्टर बॉडी जो कि काफ़ी देर से इधर उधर घूम रही है, अब बारी है इसको फिटिंग करने की। तो उससे पहले ये मैं आपको बाकी का पार्ट है दिखा देता हूँ। ये इसका पुराना ऑयल फिल्टर है, ये इसका जो ऑयल कूलर है वो पार्ट है, ये इसकी कॉमन रेल है, ये इसके हाई प्रेशर पाइप हैं, ये इसके कुछ अभी हॉजेस वगैरह आप देख सकते हैं, हॉजेस की क्लिप ही कितनी है इस पार्ट कार के अंदर, क्लिप और छोटे छोटे पार्ट ही काफ़ी होते हैं, इतना दिमाग ख़राब होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि एक तरीके से 2 बोल्ट खोलने के लिए 20 वोल्टों को एक्स्ट्रा खुलना, 20 वोल्ट तो वैसे ही एक्स्ट्रा खुलवा देती है ये कार, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर फिटिंग करते टाइम भी आपको यहाँ छोटी छोटी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे बाल वगैरह इसमें दिए होते हैं, ये बाल एक भी चौक नहीं होना चाहिए। ओके, और मेनली आपने देखा है छोटे नॉर्मल जो कार का काम करना होता है, यानी कि एक तरीके से मैं कंपेयर करूँ मारुति टाटा महिंद्रा या निसान या जो अपने हुंडई वगैरह कार है वो इतनी इजी टू यूज होती है, इतनी इजी टू यूज होती है, अगर सच कहूँ ना मैं अपने गैरेज के किसी लड़के को बोल दूँ तो वो उसका इंजन इजी तरीके से बांध देता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, बस मेरे को चेक करना होता है। लेकिन इन कारों में स्पेशली खुद ही हाथ लगा करके साथ में लगना पड़ता है, कहीं कोई एक भी छोटी सी भी चूक हुई और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, तो ये इस तरीके से अभी हम इसका जो EGR कूलर है वो हमने फिटिंग कर दिया, उसके ऊपर हमने ये इसका जो ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर
कि जो बॉडी थी उसको फिटिंग कर रहे हैं, यानी कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। और स्पेशली बाकी की कभी कभी जो वीडियो होते हैं, मैं लड़कों को कैमरा दे देता हूँ और वो अपने कैमरे में शूट करते रहते हैं और मैं ऊपर से उस पर एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे खुद ही जो कैमरा है लेकर के साथ बैठना पड़ता है और खुद ही मैं सामने ही एक एक बोल्ट को चेक करना पड़ता है। तो सभी बोल्टों को स्पेशली टाइट करना चाहिए बढ़िया तरीके से, यानी कहीं भी कोई लीकेज का प्रॉब्लम ना रहे, इसीलिए साथ में रहकर करना पड़ता है। और ये देखिए अभी रात का भी टाइम हो गया, यानी कि अगर मैं कहूँ एग्जांपल अब यहाँ पर इस कार के अंदर ये तीसरा या चौथा दिन है फिटिंग करते हुए, आप लोग सोचेंगे कि अभी तो वीडियो का 26 मिनट 25 मिनट ही हुए हैं, लेकिन रियल में इस कार में जो फिटिंग है आज तीसरा या चौथा दिन है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, काफ़ी पुरानी वीडियो है ये। ओके, और ये देखिए, और नॉर्मली मैं इन कार का जो टाइम होता है EGR क्लीनिंग का, बेसिकली इसमें नॉर्मली कम से कम आपको 5 से 7 दिन का समय लगता है फुल फिटिंग खोलने और फिटिंग करने में। ओके, और ये इसकी कॉमन रेल, तो एक कॉमन रेल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें DRB भी दिया हुआ है इस साइड, ये इसका मेन DRB जो कि नॉर्मली स्विफ्ट वगैरह एर्टिगा वगैरह में, सॉरी एर्टिगा कह रहा हूँ, आपने एटियोस वगैरह कार में भी देखा होगा। और दूसरी जो कॉमन रेल है वो इसकी इस साइड फिटिंग है और इस साइड यहाँ पर इसका ऑयल फिल्टर कैप वगैरह। ओके, तो अब इसकी जो यानी कि Bank 1 की कॉमन रेल है इसको फिटिंग कर रहे हैं और इसकी लोकेशन है वो इस जगह पर है। तो ये भी आपको काफ़ी एक एक चीज़ को आपको इतने केयरफुल तरीके से फिटिंग करना होता है, एक छोटी सी गलती एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आपको पाइप वगैरह हैं इनमें डस्ट नहीं आना चाहिए, कॉमन रेल पे भी कैप वगैरह लगा के रखना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी जो कॉमन रेल है उसको इस जगह पर फिटिंग करेंगे, तो इस जगह पर जो कॉमन रेल फिटिंग होगी उसमें सिंगल प्रेशर सेंसर होगा, बेसिकली डुअल हेड में एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि 4 इंजेक्टर इस साइड फिटिंग है, 4 इंजेक्टर दूसरी साइड फिटिंग है, लेकिन इसमें एक के कॉमन रेल इस साइड फिटिंग है तो दूसरी कॉमन रेल उस साइड फिटिंग है, लेकिन प्रेशर सेंसर 2 हैं और जो डीजल रिटर्न वाल्व है वो सिंगल है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बेसिक कुछ आपको फ्यूल सिस्टम की जो बेसिक होती हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो मेन फिटिंग थी इस कार की कंप्लीट हमने कर दी है, यानी कि अभी हमने इसका इंटर का ऊपर का जो इंटेक मैनिफोल्ड वगैरह है नॉर्मली अभी लगाया हुआ है, तो कार पूरी कंप्लीट है स्टार्ट करने के लिए। तो चेक करते हैं अब इस कार को। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स हमने कार पूरी कंप्लीट कर दी है और इस कार में जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हमने इसमें सर्विस की, इसके EGR की, EGR वाल्व, EGR कूलर, EGR के एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के जितने भी पाइप थे सभी पाइप की। ओके, और साथ ही साथ हमने इसमें सेट किया है इसका VGT जो कि था टर्बो चार्जर का, VGT वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर में जो VGT होती है उसमें जो एडजस्टमेंट होता है वो हमने एडजस्टमेंट किया था। तो हमने दोनों टर्बो का बिल्कुल देख लिया, उसमें कैसा भी कोई लैग नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल बेस्ट था। और हमने उसको VGT को सेट कर दिया अच्छे तरीके से और क्लीन करके फिटिंग कर दिया है, और साथ ही साथ हमने इसमें क्लीन कर दिया इसका EGR वाल्व। तो अभी तक कार पूरी कंप्लीट है और एक बार मैं आपको कार अभी स्टार्ट करके चेक करा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर अब तक दिखा दिया, इस कार में हमने रिप्लेस कोई भी पार्ट ऐसा रिप्लेस नहीं किया है, ओनली हमने सभी की इसमें सर्विस की हुई है। ओके, तो ये कार है रेंज रोवर वोग और अभी हम कार को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है। ओके, कार स्टार्ट है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनली ये लाइट वाला इंडिकेटर है तो इसके लाइटों में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी की कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कार में। बोनट खुला हुआ है इसलिए बोनट का इंडिकेटर दे रही है कार, इग्निशन स्विच ऑन है, राइट साइड का डोर ओपन है। ओके, तो यहाँ से ये है इसका गियर कंट्रोल, अब मैं आपको सुना देता हूँ उस कार का साउंड। तो इंजन में कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट है परफेक्टली, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं, जो ओरिजिनल साउंड है इंजन का वही साउंड है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस कार में हमने किया है EGR वाल्व और टर्बो चार्जर का VGT रीसेट। ओके, और अभी हम कर रहे हैं इस कार की वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग ऑलरेडी हो चुकी है इस कार की, आप देख सकते हैं कार पूरी ड्राई क्लीन हो चुकी है और अभी हम इस कार की वॉशिंग कर रहे हैं। तो वॉशिंग करके ये कार पूरी कंप्लीट है और साथ ही साथ आप इसका देख सकते हैं हमने जो फ्यूल मीटर इसका रिपेयर किया, तो पहले जो फ्यूल मीटर था इसमें फ्यूल हो ना हो वो हाफ पर ही रहता था, वो कभी नीचे नहीं आता था, लेकिन अभी इसमें जो एक्चुअल फ्यूल है उसके हिसाब से वो रेंज भी शो कर रहा है और साथ ही साथ फ्यूल गेज जो है वो इंडिकेट सही दिख कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके,
तो फाइनली फ्रेंड्स कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कार में कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने आपको इंजन स्टार्ट करके भी चेक करा दिया, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस कार में जो भी काम किया था वो आपने वीडियो में देखा हुआ है। हमने इसका एजीआर वाल्व क्लीन किया, एजीआर कूलर क्लीन किया था, एजीआर के जितने भी पाइप थे सभी को क्लीन किया और साथ ही साथ हमने इसकी वीजीटी को सेट किया। लेकिन बट मैंने आपको वीडियो में इसलिए दिखा पाया क्योंकि वीजीटी जिस जगह पर फिटिंग है उस जगह पर स्पेस की काफ़ी कमी, वहाँ तक कैमरा पहुँचना पॉसिबल नहीं था। ओके, ओनली जो हमारी आंखें हैं उसी उस चीज़ को देख पाती हैं, लेकिन वहाँ पर हम कैमरे को नहीं पहुँचा पा रहे थे। वो हमने काफ़ी मैंने शूट करने की कोशिश की थी लेकिन बट उस जगह तक वो चीज़ नहीं जा पा रही थी। तो मैंने अभी बेसिकली आपको टर्बो का वीजीटी किस तरीके से सेट करना है वो मैंने आपको उस वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन हमने जो इसका एजीआर था वो परफेक्टली क्लीन कर दिया, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार का पिकअप भी ठीक है, कार में कैसी भी कोई आवाज़ नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।